मॉस्को में 1963 में मिखाइल ताल और फ्रांसिस्कस एंटोनियस कुछ पर्स खेल रहे थे, और ताल खेल रहे हैं वाइट पीसेस के साथ और कुछ पर्स खेल रहे हैं ब्लैक पीसेस के साथ। गेम की शुरुआत ताल ने E4 से कर दी है, E5 आ गया कुछ पर्स की तरफ से। रुई लोपेस ताल द्वारा, तो इस बिशप पर अटैक, सेंटर के पॉन पर अटैक करते हुए कुछ पर्स, नाइट को पिन कर दिया है कुछ पर्स ने। मिखाइल ताल ने इस बिशप को पीछे भगाने की कोशिश की और यहाँ पर नाइट ले लिया गया है ताल द्वारा, पीसेस एक्सचेंज होते हुए, और ताल यहाँ पर सेंटर खुलवा रहे हैं, डी फाइल को खोलने की कोशिश है ताल की। थोड़ी जगह बनाते हुए कुछ पर्स अपने किंग के लिए, नाइट पर अटैक, कहाँ लेकर जाएंगे आप कुछ पर्स इसे? क्या ताल इस नाइट को एक्सचेंज कर लेंगे? फिलहाल तो अपने डार्क स्क्वायर बिशप को पीछे लिया ताल ने, तो क्वीन पर अटैक बना दिया है कुछ पर्स ने। ये कुछ पर्स का नाइट काफ़ी परेशानी खड़ी कर रहा है ताल के लिए। ये देखिए दोबारा अटैक, तो मिखाइल ताल की इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए कुछ पर्स ने इस B2 पॉन को लेने की चेष्टा जताई। मिखाइल ताल ने पहले इस नाइट को लिया और ये पॉन मिखाइल ताल ने इस तरह से एक्सचेंज किए हैं। अब ताल ने क्वीन पर अटैक बनाई है, ताल का गेम शुरू हो चुका है। ताल ने अपने रुक को सेक्रीफाइस कर दिया है, पॉन के ठीक सामने रख दिया है। आखिर क्यों किया ताल ने ऐसा भला? चलिए देखते हैं। वो इसलिए किया गया था ताकि मिखाइल ताल रुक के बदले में ही बिशप ले सकें। एक्सचेंज डाउन करवा के ताल को आखिर यहाँ क्या मिल रहा है? फिलहाल तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, दूसरा रुक भी चला गया। पीस देखें तो दोनों खिलाड़ी बराबरी पर ही हैं, लेकिन ताल एक्सचेंज डाउन चल रहे हैं, पॉन के मामले में भी बराबरी पर ही हैं। ये चेक आ गया ताल की तरफ से। ये देखिए किस तरह से नाइट तो बस ले ही लेंगे कुछ पर्स कुछ देर में, तभी ताल अपने क्वीन द्वारा यहाँ चेक देते हैं। क्या कोई संयोग बैठ सकता है ताल के फायदे में? दोबारा चेक, क्या ड्रॉ निकलेगी ये गेम? एक पॉन लेते हुए दोबारा चेक, लगता है ये गेम ड्रॉ ही निकलेगी। और ये ताल ने क्या चला है? पॉन से पॉन ले लिया, लेकिन इससे ताल को क्या मिल रहा भला? पॉन भी गया ना, आसान नहीं होगा ताल के लिए इस सी फाइल के पॉन को रोक पाना। चेक, क्या चलते आप अगर यहाँ पर होते तो? और मिखाइल ताल ने इस तरह से क्या फॉर्क लगाया, आप देख पा रहे हैं क्या इस फॉर्क को? सबसे पहली यहाँ पर दुविधा और चुनौती है कुछ पर्स के लिए कि यहाँ पर G7 पॉन जो है उसका संरक्षण करना पड़ेगा अगर चेकमेट को रोकना है। कैसे कर पाएंगे? क्या कोई तरीका है? कुछ देर पहले तक ये नाइट यहाँ पर था, किसी को भनक भी नहीं पड़ी कि ये थोड़ी देर में चेकमेटिंग पैटर्न तैयार खड़ा है यहाँ पर। बस ये एक चेक हुआ कि ताल से बच के कुछ पर्स ने अपने किंग को कोने में H8 पर ले गए और फिर ये मूव आया। कोई तोड़ ही नहीं है मिखाइल ताल के इस मूव का कि क्वीन को G7 पर जाने से कैसे रोका जाए कुछ पर्स द्वारा, संभव ही नहीं है।